नीलेश और आरती एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए बड़े मस्ती के मूड में जा रहे थे। रात के अंधेरे में उन्हें कोई देखने वाला नहीं था। पिछले दो दिनों में तुम्हारे साथ लग रहा है मानो पूरी जिंदगी जी ली। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। यार तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिली? क्योंकि पहले तुम यहाँ नहीं आए थे। फिर भी किस्मत को अगर हमें मिलाना ही था तो थोड़ा जल्दी मिला देती। अभी भी देर नहीं हुई है। या यू आर राइट। आई एम ऑलवेज राइट। अच्छा सुनो, वैसे तो हम सिर्फ दो दिन से एक दूसरे को जानते हैं, पर अगर मैं तुम्हें कुछ दूंगा तो एक्सेप्ट करोगी? क्या? पहले बोलो एक्सेप्ट करोगी? अच्छा बाबा करूंगी। नीलेश घुटने मोड़कर बैठते हुए आरती को एक रिंग देता है। Will you wanna grow older with me? आरती चौंक जाती है और फिर खुश होती है। Oh, yes. और अपना हाथ आगे कर देती है। नीलेश बड़े प्यार से उसे रिंग पहना देता है। फिर दोनों हाथों में हाथ डाले उसी रास्ते पर चलने लगते हैं। ये कब प्लान कर लिया? कल से तो हम साथ ही हैं। जादू। अच्छा एक बात तो मैं पूछना भूल ही गया। क्या? अगर मैं इंसान की जगह कुछ और होता तो क्या तुम तब भी रिंग ले लेती? क्या मतलब? मतलब अगर मैं अभी जैसा हूँ वैसा ना रहूं तो क्या तब भी तुम मुझसे प्यार करोगी? तुम अचानक कैसी बातें कर रहे हो? देखो आज कुछ ऐसा होने वाला है जो हो सकता है तुम्हें अच्छा ना लगे, पर फिर भी तुम मेरा साथ मत छोड़ना। दरअसल वो पूर्णिमा की रात होती है और जैसे ही पूरा चांद निकलता है आरती ये देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है और भागने लगती है। उसके पीछे पीछे वो भेड़िया भी उसे पकड़ने के लिए भागने लगता है। कुछ दूर जाने पर रास्ते में आने वाले एक दूसरे इंसान को पकड़ लेता है। उसके पेट में अपने बड़े बड़े नाखून गड़ा देता है और उसका खून पीने लगता है। ये सब देखकर आरती जोर जोर से चिल्लाते हुए आंखें खोलती है और खुद को वापस उसी पार्क में पाती है। नीलेश उसके बगल में बैठा रहता है। उसको चिल्लाते देखकर पूछता है, क्या हुआ बेबी, कोई बुरा सपना देखा क्या? तुम? हाँ मैं क्यों, क्या हुआ क्या? कुछ नहीं कहकर आरती उठती है और तेजी से चलने लगती है। नीलेश भी उसके पीछे चल देता है। तुम एक बुरे सपने से इतना डर गई क्या? नहीं तो। नहीं नहीं लगता है तुम डर गई यार। बोला ना नहीं डरी। तुमने कोई भूत देख लिया था क्या? अरे सुनो तो। चुप हो जाओ, ये कब्रिस्तान है जहाँ से हम गुजर रहे हैं। ओ मतलब हमारी बातें सुनकर यहाँ के भूत जाग जाएंगे और हम पर अटैक कर देंगे। ओ प्लीज चुप हो जाओ।
और भूतों, आत्माओं और इस कब्रिस्तान पर रहने वाले सभी लोग। मुझे डर लग रहा है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। अरे बेबी, मैं हूँ ना तुम्हारी रक्षा करने के लिए, फिर क्यों डर रही हो? इसी तरह दोनों बातें करते हुए जा रहे होते हैं, तभी उस कब्रिस्तान से जहां तहां से भूत और आत्माएं, अजीबो गरीब लोग निकलते हैं। कोई जमीन फाड़ कर तो कोई कब्र में से, कोई सीवेज में से, और डरावने अंदाज में चलते हुए वो लोग आकर नीलेश और आरती को चारों तरफ से घेर लेते हैं। उन दोनों को खा जाने वाले अंदाज में वो सब उनकी तरफ बढ़ते हैं। वे दोनों डरते हुए एक दूसरे को जोर से पकड़ लेते हैं। फिर अचानक से नीलेश ट्रांसफॉर्म होने लगता है, ठीक उसी तरह जैसा आरती ने सपने में होता हुआ देखा था। और फिर भेड़िए में तब्दील हो जाने वाला नीलेश उन सभी आत्माओं भूतों से लड़ता है। सबको दूर भगा देता है। यह पूरा वाक्य बहुत डरावना था। तभी सारे भूतों को भगाकर नीलेश आरती की तरफ उसे खा जाने के लिए बढ़ता है। आरती वहीं बैठ जाती है और आंखें बंद करके बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है। कोई आकर उसके कंधे पर हाथ रखता है। वो सर उठाकर देखती है तो पाती है कि नीलेश अकेला वहां खड़ा होता है और बाकी सब डरावने लोग जा चुके हैं। वो इधर उधर उन्हें ढूंढने की कोशिश करती है पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। क्या हो गया? वो सब कहां गए? कौन सब? यहां तो कोई नहीं है। तुम मेरे पास मत आना। अरे बीबी, क्या हो क्या गया तुम्हें? रात में नींद नहीं आई थी क्या? बार बार किन ख्यालों में खोई जा रही हो? यहाँ अभी कुछ हुआ था क्या? नहीं तो तुम चलो यार घर। नीलेश उसे पकड़ कर घर ले जाता है और पीछे पलट कर भानगढ़ का नाम तो आप सभी ने सुना है। देश ही नहीं, दुनिया की सबसे ज्यादा हॉन्टेड साइट्स में से एक है भानगढ़ का किला। लेकिन क्या आपको पता है कि यह किला भूतिया कैसे बना? कुछ लोग इस बात पर यकीन नहीं करते, लेकिन हमें करना पड़ा। मैं विनय और मेरे दोस्त चारू और रोहित। यार ये किला तो कमाल है, पता नहीं लोग इसे भूतिया क्यों कहते हैं। कुछ नहीं, बस गांव वालों के एंटरटेनमेंट की स्टोरीज हैं। मैं इन बातों पर यकीन नहीं करता, लेकिन पूरी तरह से झूठ भी नहीं मानता। बस हमें सतर्क रहना चाहिए। दोस्तों, मेरे ख्याल में अब हमें इस किले से बाहर निकल जाना चाहिए। हड्डू है क्या? आज रात यही रुकते हैं। आखिर हमें भी तो पता लगे भैया कि ऐसा क्या है इस किले में जो से भूतिया बनाता है। वहाँ सामने क्या है, चलो चलकर देखते हैं। ओम सिम होम क्रीम श्रीम चामुंडाय विच्चै। ओम सिम होम क्रीम क्रीम चामुंडाय विच्चै। ओम त्र्यंबकं यजामहे। ओम त्रिम क्रीम क्रीम चामुंडाय विच्चै।
अब वो खूबसूरत राजकुमारी मेरे वश में होगी और मैं इतने सालों की अपनी हसरत पूरी करूंगा। मेरे अंदर की हवस राजकुमारी को अपनी बाहों में भरने को बेताब है। बाजार की रौनक देखकर लग रहा था मानो कोई त्योहार है। सभी अपनी अपनी खरीदारी में व्यस्त थे। एक लड़की इत्र खरीदने आई थी, कोई आम इत्र नहीं बल्कि शाही इत्र। राजकुमारी ने शाही इत्र मंगवाया है। दुकानदार इत्र की बोतल, वही जो तांत्रिक के हाथ में थी, देता है। लड़की महल में चली गई। वो लड़की बोतल राजकुमारी को देने ही वाली थी तभी। ये इत्र कहाँ से लाई हो? उसी व्यापारी से जिससे हमेशा लाती हूँ, लेकिन आज इसमें कुछ अलग है, कुछ रहस्यमय। इसे फेंक दो। बोतल पत्थर पर गिरी और फूट गई। सारा इत्र पत्थर पर उतर तांत्रिक। अब तक तो वो राजकुमारी ने इत्र लगा लिया होगा, अब वो राजकुमारी सीधे मेरे पास खिंची चली आएगी। सीधे मेरे सीने पर लग जाएगी। इधर इत्र वाला पत्थर उड़ता हुआ आया और तांत्रिक उसे देखता रहा और उसकी छाती पर पत्थर लगा। तांत्रिक मर रहा है। मेरे साथ धोखा, मैं सिर्फ ये शरीर छोड़ रहा हूँ। उस राजकुमारी को पारे की हवस दई, मैं इंतकाम लूंगा, वापस लौटूंगा। कुछ दिन यूं ही बीत गए। राजकुमारी के विवाह की तैयारियां चल रही थी। माहौल एकदम उत्सव वाला था, सारा शहर सजा था। अब वर वधू का मंगल सूत्र पहनाए। हे भगवान, ये क्या हो गया? किस पाप की सजा दी है मुझे? मेरा तो जीवन ही तबाह हो गया। तूने मेरी इच्छा का पान करके अच्छा नहीं किया था राजकुमारी। तुझ पर सिर्फ मेरा हक है, जो भी तेरे करीब आएगा उसे ऐसे ही मरना होगा। तू सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। मैं तो सुहागन होने से पहले ही विधवा हो गई। अब इस जीवन का कोई मतलब नहीं। राजकुमारी हवन में बैठ गई और चलने लगी। माँ बाप रो रहे। इंतकाम की आग परसों तक चली हुई साग में, अब लूंगी इंतकाम। ओए, क्या हुआ तुझे? ठीक तो है ना ड्रामा क्वीन? हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा अच्छा फील नहीं हो रहा। तेज हवाएं पत्ते और कुछ चीजें उड़ने लगी। हवा गोल घूम रही है। कुछ ऐसे ही फिर तांत्रिक प्रकट हुआ। जन्मों जन्मों का प्यासा है जिस्म मेरा, तुम्हारे इंतजार में तड़प रहा था। आखिर तुम्हें आना ही पड़ा राजकुमारी। हमारे सामने एक बहुत ही भयानक और विशाल काय जल्लाद खड़ा था, लेकिन वो राजकुमारी किसे कह रहा था? क्या जादू को? जन्मों पुराने जख्मों को फिर से पूरे दाए तूने, अब इस किले में सैलाब आएगा। हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन डर बहुत ज्यादा लग रहा था। मैं और रोहित कुछ भी नहीं समझ पा रहे थे कि चारू को अचानक क्या हुआ है। हम कुछ समझ पाते उससे पहले एक जोरदार झटका लगा और हम दोनों कोने में जा गए। यही इत्र मेरी दवाई का कारण था ना? इसी इत्र के सहारे तूने मेरे जिस्म को पाने की कोशिश की थी ना?
मेरी ख्वाहिश अधूरी रह गई थी, इसलिए इस किले में इतनी सदियों से भटक रहा था। लेकिन अब तुझ पर काबू करके मैं अपनी ख्वाहिश पूरी करूंगा। तांत्रिक चारू पर भारी पड़ा और उसे पीछे से पकड़ लिया। कुछ देर ऐसे ही फिर राजकुमारी के हाथ से वो इत्र की बोतल तांत्रिक के ऊपर गिरी और वो तड़पने लगा। तुरा अच्छा नहीं किया राजकुमारी, मैं अब भी यही भटकता रहूंगा, तुझे भी चैन से नहीं जीने दूंगा। अब ऐसा नहीं होगा, सिर्फ तेरा अंत होगा। ये कोई आम जन नहीं बल्कि कैलाश पर्वत का जन है। तेरी हवस भी तेरे साथ ही चलकर भस्म होगी। तांत्रिक मर चुका था और मुझे और रोहित को उस अंधेरे किले में अपने सामने एक डायन खड़ी दिखाई दे रही थी। पहले वह हमारी दोस्त थी, लेकिन अब उसका भयानक रूप और गुस्से से भरी लाल आंखें देखकर हम दोनों बुरी हालत में थे। तभी वो डायन हमारी तरफ बढ़ी और डरावनी आवाज में बोली, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ और वापस यहाँ पर कभी मत आना। यह जगह अगले कुछ सालों तक शापित है। 70 साल बाद आने वाली सावन की पूर्णिमा को यह जगह श्राप मुक्त होगी और मुझे भी मुक्ति मिलेगी। ऐसा कहकर वो टायर अंधेरे में कहीं ओझल हो गई। हम दोनों दोस्त एक दूसरे का हाथ पकड़कर जल्दी जल्दी उस किले से बाहर निकले। उस रात हमने अपनी एक बहुत प्यारी दोस्त को खो दिया, लेकिन इस बात की खुशी थी इतने भयानक मंजर से हम जिंदा वापस लौटे थे। कुछ लोगों के लिए भूत होते हैं और कुछ लोगों के लिए नहीं, लेकिन हमारे पास अब एक वजह थी। अंधेरी रात है, सब सुनसान है, रात का अंधेरा पड़ता ही जा रहा है, दूर दूर तक बस सन्नाटा है। एक कार चलते चलते अचानक रुक जाती है। अचानक से एक चीख सुनाई देती है और तेज आवाज के साथ कार पेड़ से टकरा जाती है। कार का गेट खुलता है और एक औरत कार के दरवाजे से बाहर निकलती है। इंसानी खून, कितने दिनों बाद एक शिकार किया, मजा आ गया। अभी तो बस शुरुआत है। पुलिस की गाड़ी आकर रजत सरिता के घर के बाहर रुकती है। पुलिस घर का दरवाजा खटखटाती है। रजत आकर गेट खोलता है। ये मोबाइल और पर्स को पहचानते हैं आप? हाँ, ये कहाँ मिला आपको? ये मेरी वाइफ का है, वो नाइट ड्यूटी के लिए हॉस्पिटल में थी। सॉरी, अब वो नहीं रही, उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया और उसी में उनकी जान चली गई। ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो बहुत ही सेफली कार चलाती थी। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। सॉरी, बट ये सच है। उनकी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है, फिर आप उसे ले सकते हैं। सो सॉरी। पुलिस वहां से चली जाती है। रजत रोने लगता है। रोते रोते रजत कुछ दिन पहले की बात याद करने लगता है। रजत और सरिता खुशी से रहा करते थे। इन दोनों के पड़ोस में एक मंजू नाम की औरत रहती थी जो बहुत ही शातिर और ईर्ष्यालु थी। वो रजत से शादी करना चाहती थी। रजत ने सरिता को पसंद किया और दोनों की शादी हो गई। ये बात मंजू को हजम नहीं हुई। मंजू एक तांत्रिक से मिलकर रजत और सरिता की पसी पसाई जिंदगी उजाड़ने का प्लान बनाती है। बाबा, पैसे जितने चाहे उतने ले लो, लेकिन कोई ऐसा तरीका बताओ कि रजत और सरिता की जिंदगी पर ऐसा काला साया आए कि उसकी फिर कोई सुबह ही ना हो। ये लो, ये शीशी ले जाकर उस घर के आंगन में तोड़ देना और फिर उसके घर पर काली आत्माओं का साया हो जाएगा।
और ऐसा साया जो उसके घर को तबाह किए बिना नहीं जाएगा। मंजू ऐसा ही करती है और किसी बहाने से सरिता और रजत के घर जाकर उस शीशी को उनके आंगन में तोड़कर फिर माफी मांग लेती है और वहां से चली जाती है। अगले दिन से उनकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं रहता। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। एक दिन सरिता नहाने जाती है और अचानक से चीखते हुए बाहर आती है। रजत, रजत, बचाओ, रजत! क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों? वो अंदर बाथरूम में शावर से पानी की जगह खून आ रहा है। ये तुम क्या कह रही हो सरिता? ऐसा कैसे हो सकता है? रुको, मैं देखता हूँ। रजत बाथरूम का गेट खोलता है और हक्का बक्का रह जाता है। तुम परेशान मत हो सरिता, ये खून नहीं, शायद लीकेज होगा, मैं ठीक करवा दूंगा, डोंट वरी। वो दोनों एक दूसरे को दिलासा दे रहे थे पर अंदर ही अंदर दोनों बहुत डरे हुए थे। ऐसी ही कई घटनाएं उनके घर में हुई। कभी पानी की जगह शावर से खून आना, नींबू का काला हो जाना, मंदिर की लाइट बार बार चलना बुझना, और इन बातों से डरते डरते वो लोग कुछ दिन निकालते हैं और आज सरिता की मौत हो जाती है। रजत पास से वापस आज में आता है। नहीं, मैं ये नहीं मान सकता कि सरिता का एक्सीडेंट हुआ है, कुछ और बात है। वो सब जो इतने दिन से हमारे साथ हो रहा था और आज सरिता की मौत, ये सब नॉर्मल नहीं था। मैं जानकर ही रहूंगा कि आखिर मेरी सरिता के साथ हुआ क्या। इसी सोच में रात बीतती है और सुबह होती है। सुबह फिर पुलिस घर का दरवाजा खटखटाती है। मिस्टर रजत, आपकी वाइफ की डेथ तो एक्सीडेंट से ही हुई है, पर उनकी बॉडी पर कई चोट के, खून के और नाखून के अजीब से निशान हैं, जिन्हें आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। हम कोशिश कर रहे हैं पर कुछ तो है जिसे लेकर हमें संदेह है। पुलिस के जाते ही रजत का शक और पक्का हो जाता है। इस मामले में अब एक ही इंसान मेरी मदद कर सकता है और वो है बोरी वाले बाबा। वो ही मुझे बता सकते हैं कि आखिर ये सब है क्या। रजत बाबा के पास पहुंचता है। ओम सिम होम क्रीम श्रीम चामुंडाए विच्चै, ओम सिम होम क्रीम क्रीम चामुंडाए विच्चै, ओम त्र्यंबकम यजामहे, ओम त्रिम क्रीम क्रीम चामुंडाए विच्चै। बाबा, मेरा घर उजड़ गया, मेरी सरिता मुझे छोड़कर चली गई है। ऐसा कहते हुए रजत बाबा को पूरी बात बताता है। बेटा, तुझे बहुत पहले ही मेरे पास आना चाहिए था, शायद मैं सरिता को बचा पाता। कोई बात नहीं, तू मुझे तेरे घर ले चल, मैं देखता हूँ कि कौन है जो तेरा घर बिगाड़ रही है। बाबा और रजत घर पहुंचते हैं। साया है तेरे घर पर, खतरनाक चुड़ैल का साया, वो साया जो यहाँ खुद नहीं आया, कोई लेकर आया है बंद करके बोतल में, यही तेरे आसपास रहता है वो। हाँ बाबा, मेरे पड़ोस में मंजू रहती है, वो कुछ दिन पहले आई थी और उसके हाथ से गलती से एक बोतल टूट गई थी। टूटी नहीं थी, तोड़ दी गई थी ताकि तेरे घर को खत्म कर सके। बुलाता हूं मैं चुड़ैल को। चुड़ैल, ओ चुड़ैल, मेरे हाथ में आ और मुझे पूरा सच बता, वरना ऐसी शक्ति मारूंगा कि भाग जाएगी तू जाने कहां। हाँ बाबा, आ गई मैं, क्यों बुलाया तूने मुझे? ये जानने के लिए किस मकसद से आई है तू यहाँ और कौन लाया? क्यों बताऊं मैं तुझे ये सारी बात? मत बता और मेरा वार झेल। बाबा चुड़ैल पर अपनी शक्ति से वार करते हैं और चुड़ैल नीचे गिर जाती है। बाबा, बताती हूँ, मैं सब बताती हूँ, तेरा शक सही है और मंजू एक तांत्रिक की मदद से यहाँ छोड़ गई थी मुझे ताकि इस घर को खत्म कर सकूं मैं। तब सुन, अगर बोरी में बंद नहीं होना चाहती तो जा और जिसने तुझे यहाँ भेजा है उसे खत्म कर और फिर कभी लौट कर मत आना।
चुड़ैल वहां से पलक झपकते ही गायब हो जाती है और पहुंच जाती है मंजू के घर। मंजू, आज तू नहीं बचेगी, आज तू मेरे हाथों मरेगी। बचाओ, तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? चुड़ैल उसकी कोई बात नहीं सुनती और मंजू को मार देती है और वहां से भाग जाती है। और रजत अपने घर में सरिता की फोटो पर हार चढ़ा रहा है। सही कहा है किसी ने, कर्मों का फल जरूर मिलता है, और कई बार जो कट्ठा हम दूसरों के लिए खोदते हैं उसमें खुद ही गिर जाते हैं।